News 18, India. नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत करें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ जो वाराणसी से आ रही है। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। वहीं हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को जगह संरक्षित करने के निर्देश जारी किए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस केस की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दरअसल मुस्लिम पक्ष की तरफ से पूजा पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन इन सब के बीच में ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उसकी तारीफ, उसका इतिहास पेश किया जाता है, तो अगर इस कानून पर को पर ईमानदारी के साथ अमल नहीं किया जाएगा तो बहुत से झगड़े पूरे मुल्क में शुरू हो जाएंगे। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि पूरी कुव्वत के साथ इसको नाफिज करें, और हम अदालतों से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस कानून की रूह को सही तौर पर अमली ज़िंदगी में प्रैक्टिकल तौर पर लाने की कोशिश करें। आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी ये 1991 के कानून की अहमियत को तस्लीम किया और उसने इसको और तकवीत पहुंचाई। तो इसलिए हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि वह मुल्क में तमाम इबादतगाहों का तहफ्फुज करें। हम अदलिया से भी हमारी गुजारिश है कि इंसाफ का एक ही पैमाना होना चाहिए, और ये सबसे बड़ा इंसाफ का मंदिर है। अगर लोगों का भरोसा उससे उठ जाए तो ये देश के लिए भी बहुत नुकसान की बात है, और ये इस देश में जो इत्तेहाद है, भाईचारा है, उसको मुतासिर कर देगा ये। और हम लोग गए थे अदालत में और बदकिस्मती से वहाँ भी वो दरख्वास्त रद्द हो गई है, हाई कोर्ट में भी, लेकिन इंशाल्लाह हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और हमने तय किया है कि हम जो सदर जम्हूरिया, तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, लगातार ये बात कही जा रही है कि अब अदालत को भी सोचना चाहिए कि 1991 का जो कानून था वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब के बीच में आप ये समझिए कि एक तरफ इतने सालों बाद व्यास जी के जो वहां पर पूजा थी वहां वो की गई, और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू पक्ष की तरफ से यही कहा गया था कि हम सिर्फ पूजा की इजाजत जो है फिलहाल चाहते हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। देखिए, पूजा जो है वो जारी रहेगी। ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाने को लोगों के लिए खोल दिया गया है। तहखाने में विराजमान शिव जी के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु ज्ञानवापी पहुंच रहे हैं। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस केस की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। 3 तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं। देखिए, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है, लेकिन साफ तौर पर प्रशासन की तरफ से लगातार एक ही बात कही जा रही है कि लोग संयम बनाकर रखें। और वही जो बड़ा अपडेट मिल रहा है वो भी आप जान लीजिए, व्यास जी तहखाने में पूजा के लिए अब आज नए पुजारी की नियुक्ति की जा सकती है। हिंदू पक्षकार सोहनलाल आर्य ने नए पुजारी की नियुक्ति का दावा कर दिया है। फिलहाल विश्वनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं वही व्यास जी तहखाने में पूजा इस वक्त करा रहे हैं, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि एक नए पुजारी की यहाँ पर नियुक्ति की जा सकती है। अहम खबर, 5 वक्त की पूजा पाठ यहाँ भोर से लेकर के रात्रि तक के लिए जो आरती है, भोग है, उन सब की व्यवस्था अब की जा चुकी है। हाईकोर्ट ने भी ये कह ही दिया है कि व्यास जी तहखाने में अभी आगे पूजन अर्चन इसी तरह से होता रहेगा। और अब जो अहम जानकारी है वो ये कि यहाँ पर नए पुजारी की नियुक्ति की जा सकती है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो पूजन अर्चन का कार्य पुजारी कर रहे हैं वो विश्वनाथ मंदिर के पुजारी हैं, तो नए पुजारी की नियुक्ति यहाँ पर की जा सकती है। और फिर उसके बाद, क्योंकि अब तो यहाँ पर भक्तों का जमावड़ा लगना भी शुरू हो चुका है, बाहर से ही सही लेकिन जो भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो शीश नवा रहे हैं, भीतर के दर्शन कर पा रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे यहाँ पर भक्त पहुंचकर व्यास जी तहखाने में झुककर दर्शन करके आशीर्वाद ले रहे हैं। तो वह हिंदू पक्षकार सोहन लाल आर्य और लक्ष्मी देवी ने व्यास जी तहखाने में हो रही पूजा की जानकारी दी, साथ ही नए पुजारी की नियुक्ति का दावा भी उनकी तरफ से किया गया। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा गया। आज प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से ही
3:30 बजे जो मंगल आरती हुई तब से ही दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ी चली चली आ रही है। और खासतौर से यह गौरवशाली क्षण, यह खुशी के पल जो 31 साल के बाद आया हुआ है, हम लोग हर्षित हैं, सभी समाज हर्षित है, सभी हिंदू जन हर्षित हैं। अभी तक जो है विश्वनाथ मंदिर के जो अर्चक थे वही पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन आज पूर्ण संभावना है कि विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अनुसार एक नए पुजारी जो है आज सुख मिल जाएंगे हम हिंदू समाज को जो है। हम लोग बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे थे, कम से कम 31 साल के बाद हम लोग को एक खुशी मिली है कि हम लोग को मतलब व्यास जी के तखाने में दर्शन का मतलब अधिकार मिला है। आज पूजा का दूसरा दिन तो कैसा आप लोगों को क्या लग रहा है, कितनी खुशी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? हम लोग को तो बहुत खुशी है, पूरे सनातनियों को खुशी है, सबको बधाई देते हैं कि आके अपने दर्शन करिए आप लोग। तो देखिए हाईकोर्ट की तरफ से जो है एक बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को लगा है। मुस्लिम पक्ष के लिए साफ तौर पर कहा गया है कि अभी जो है वहां पर पूजा जारी रहेगी, लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम फिलहाल वाराणसी में किए गए। ज्ञानवापी के आसपास जुम्मे का दिन है आज, फ्राइडे का। और सीधे ले चलते मेरे सहयोगी अमित लगातार मेरे साथ बने हुए। अमित, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज पढ़ी जानी है, ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, एक बार जरा शुरुआत तस्वीरों के साथ कीजिए। जी बिल्कुल अनुपमा, देखिए जुम्मे की नमाज हो चुकी है और शांति तरीके से हुई है। मैं सीधी तस्वीरें जो है आपको दिखा रहा हूँ। हैवी डिप्लॉयमेंट इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस की यहाँ पर आप देख सकते हैं। जुम्मे की नमाज हो चुकी है और नमाजी जो है वो इस वक्त ज्ञानवापी परिसर के अंदर से बाहर निकलते हुए यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। आप नमाज अदा हो गया? ठीक है, फिलहाल जो है कोई यहाँ पे बातचीत नहीं कर रहा है, लेकिन लेकिन यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से हैवी डिप्लॉयमेंट थी और जिस तरीके से 1500 से ज़्यादा नमाजी जो है ज्ञानवापी में मस्जिद में नमाज पढ़ने अदा करने के लिए गए थे, वो सभी नमाज अदा करके बाहर निकल चुके हैं। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट की अगर बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है मुस्लिम पक्षकार को, अंजुमन इंतजामिया कमेटी को करारा झटका लगा है, क्योंकि पूजन अर्चन पर रोक लगाने से सीधे सीधे मना कर दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सवाल किया है, सवाल पूछा है इंतजामिया कमेटी से, मुस्लिम पक्षकार से, कि वो जो 31 जनवरी के आदेश को चैलेंज कर रहे हैं जिला अदालत के आदेश को, वो आदेश को वो चैलेंज इस तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि 17 जनवरी के आदेश को पहले उन्हें चुनौती देनी होगी, क्योंकि 17 जनवरी का जो जिला अदालत का आदेश था उसी का एक अंश है 31 जनवरी का आदेश। मैं एक तस्वीर आपको और दिखाऊँ, आप देखिए हर तरफ अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी, जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वाराणसी के उन तमाम इलाकों पे ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार ड्रोन से निगरानी रख रही थी, छतों पर निगरानी रख रही थी, चौक चौराहे पर भीड़ इकट्ठा नहीं होने दे रही थी, लेकिन जितने भी मुस्लिम पक्षकारों से मेरी बातचीत हुई है, जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से हमारी बातचीत हुई है, ज़्यादातर लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन जो लोग बात कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि कानून और कोर्ट जो फैसला लेगा हम उसी को मानेंगे। क्या कहेंगे आप लोग नमाज अदा करके आ गए? हाँ, नमाज अदा करके आ गए आप लोग? तो देखिए फिलहाल हम जितने लोगों से यहाँ नमाज अदा हो गया, क्या नमाज अदा हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से नमाज हुआ हमें। तो यहाँ आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो भी नमाजी हैं वो जो नमाज अदा करके आ रहे हैं, ज़्यादातर लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज फैसला आया है 6 फरवरी की आपको अगली तारीख मुकर्रर, सब कुछ आपका है, प्रशासन भी आपकी। तो देखिए देखिए तो तस्वीरों में हम आपको लगातार दिखाना है, हैवी डिप्लॉयमेंट है यहाँ पे अनुपमा। बिल्कुल बिल्कुल अमित, और सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम वहां पर किए गए हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ा झटका यहाँ पर हाईकोर्ट से लगा है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी में ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में दूसरे दिन पूजन अर्चन हो रहा है। ज्ञानवापी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी इस वक्त उमड़ी हुई है। 31 जनवरी को कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाने का ताला खोल दिया गया। रात के समय साफ सफाई वहां पर की गई थी, आपको याद होगा कैसे रात में पूजा भी की गई। 30 साल के बाद पहली बार वहां पर पूजा की गई और अब हर दिन 5 बार यहां पर आरती भी हो रही है, भोग भी लगाया जा रहा है। और अब कैसे श्रद्धालु जो यहां पर पहुंच रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए, वो बाहर से ही सही लेकिन व्यास जी देखाने में दर्शन कर रहे हैं और भारी भीड़ यहां पर भी श्रद्धालुओं की उमड़ी हुई दिखाई दे रही है। मुस्लिम पक्ष अब ये कह रहा है कि ये जो पूजा की अनुमति मिली है हमें हाईकोर्ट से, भले ही यहाँ झटका लगाओ लेकिन अब आगे
सुप्रीम कोर्ट का हम रुख करेंगे और बाकायदा जो वर्शिप एक्ट है उसकी भी याद दिलाई गई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। लेकिन बड़ी बात इस पूरे मामले में यह है कि 1993 तक तो यहाँ पर पूजा पाठ होता ही था, तो कैसे यह साबित किया जाएगा कि यह मामला वर्शिप एक्ट के तहत आता है। सामने से दर्शन हो रहा है बाहर से ही, लेकिन एकदम बहुत उत्साहित हो गया मैं। बाहर से ही व्यास जी के तहखाने में दर्शन हो रहा है, लगातार हो रही है, झांकी हो रही है बाहर से, और साधारण श्रद्धालुओं के लिए भी दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है बाहर से। मन एकदम उत्साहित हो गया, एकदम रोंगटे समझ लिए खड़े हो गए हमारे दर्शन करके, क्योंकि 1993 में आखिरी बार पूजन हुई थी और फिर अब शुरू हुआ। बहुत अच्छा लगा आज लगा कि हिंदुस्तान जाग रहा है। आप लोग क्या कहेंगे व्यास जी का तहखाने में दर्शन पूजन करना? बढ़िया है, मन खुशी हो गया, काफी अच्छा लगा देख के। सुबह आए थे हम लोग, 6 बजे आ गए थे, तो काफी भीड़ कम था, तो जल्दी से दर्शन भी हो गया और अच्छा लगा देख के। अभी आए हम लोग, कॉलेज से आ रहे थे, कॉलेज स्टूडेंट हम लोग ना, तो आए सुबह दर्शन हो गया। और देखिए वर्शिप एक्ट ही कहता है कि 1947 की जो यथा स्थिति है वो बरकरार रखना होगा, लेकिन यहाँ व्यास जी तहखाने में अमित लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। अमित, 93 तक तो पूजा पाठ हो ही रहा था ना, उसे रोक दिया गया था, अब उसी की परमिशन वापस से दे दी गई है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करना कितनी सफलता मिल सकती है, यहाँ पर क्या अंदेशा जताया जा रहा है? देखिए पहले अंजुमन इंतजामिया कमेटी जो है मुस्लिम पक्षकार, पहले ही वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट वो जाएं, और हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान सभी पक्षकारों को हाई कोर्ट ने सुना, और सुनने के बाद उसमें जरूर मुस्लिम पक्षकार यानी अंजुमन इंतजामिया कमेटी से सवाल पूछा कि उन्होंने जो याचिका दायर की है कि 31 जनवरी के जिला अदालत के उस फैसले के खिलाफ वो आया है जिसमें पूजन अर्चन करने के लिए इजाजत दे दी गई है, तो उस फैसले के खिलाफ वो आया है, आखिर वो क्यों कैसे आ सकते हैं, क्योंकि 17 जनवरी का जो जिला अदालत का आदेश था उस आदेश के खिलाफ वो हाई कोर्ट मूव ही नहीं किए, तो पहले उन्हें 17 जनवरी के कोर्ट के आदेश को चैलेंज करना होगा, उसके बाद वो 31 जनवरी के जिला अदालत के फैसले को वो चैलेंज कर सकते हैं। 17 जनवरी का आदेश ये था कि जिसमें जिला अदालत ने जो तहखाने वाली जगह है, व्यास जी का तहखाना और उसके आसपास का जो जगह है वो डीएम के हवाले किया था, डीएम को सुपरविजन में उसे छोड़ा था कि किसी भी तरीके से वहां पर कोई क्षति ना पहुंचे, कोई निर्माण कार्य ना हो, ये 17 जनवरी का कोर्ट का आदेश था। इस आदेश को मुस्लिम पक्षकार ने चुनौती नहीं दी थी, तो लिहाजा मुस्लिम पक्षकार ने आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये कहा है कि वो अपनी याचिका को सुधारेंगे, अमेंड करेंगे और 17 जनवरी के आदेश को चुनौती देंगे। तो जब 6 फरवरी के दिन अगली सुनवाई होगी, तो जाहिर तौर पर जो अमेंडमेंट वो याचिका में करेंगे उस याचिका पर फिर से सुनवाई होगी। और छह फरवरी को भी इस मामले में अगली सुनवाई हाईकोर्ट में ही होनी है।